कर भगवान की जय। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल इन ब्लॉग्स में आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो अभी का टाइमिंग हो चुका है, 9 बज चुका है, 9 बजे अपने ब्लॉग को शुरू कर दिया हूँ। वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू आप बने रहें। तो अभी मैं अपना रूम में हूँ और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं, इसको पैक करता हूँ, ठीक है। अभी धूप है, देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों, आज हो गया रामनवमी। तो रामनवमी के दिन ही आज धाजा गड़ाता है बांस का। राम भगवान के जन्म, मम्मी बोल रही है राम भगवान के जन्म हुआ था। तो हनुमान जी के, राम भगवान के हनुमान जी भक्त था। हाँ, तो उसी को उद्सव में, राम भगवान के उद्सव में हनुमान जी का झंडा गड़ाता है और उसमें पतंगा बनाता है, धाजा गड़ाता है। इसीलिए हम उनको जन्मदिन आज मनाते हैं। हम लोग बाल बच्चा के कहता है कि बर्थडे होता है तो हनुमान जी का आज, राम भगवान का जन्मदिन होता है। इधर में देख सकते हैं पापा हैं जो निकाल रहे हैं मिट्टी इसमें से, और ये हो गया परसल वाला धाजा। वो हवन जो जला है पिछले साल उसमें से निकल रहा है, उसके बाद पूरी। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। अभी मैं देख सकते हैं आ गया हूँ, और रानी भी है जो देखिए आ गई है। खुश रहो खुश रहो। कहाँ थे मिले? अरे हम थे अभी छत पर, समझ गई। तो दाई आज है जो रामनवमी है तो धाजा गड़ाएगा, तो रानी आई है गया से। सभी को मेरे तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसादी है दीदी के यहाँ से आई है जो? किधर है? वो अलमारी पर। तो कहाँ है? वहाँ पर पे नहीं है। इधर देख सकते हैं मम्मी है, क्या बना रही है? ये रोटा बना रही है हनुमान जी पर चढ़ने के लिए। रोटा? तो रोटा कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि तो बड़ा बड़ा बना है। कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा बना कुछ। ये कच्ची सब दिन चढ़ता है 5 रोटा हनुमान जी का। 5 रोटा? 5 रोटा। ओ जबरदस्त। तभी देख सकते मम्मी तैयारी। घी में सनाया है और फिर छनाएगा घी में, फिर वहाँ पे चढ़ेगा। 1.25 kg आटा के 5 रोटा बनता है हनुमान जी पर चढ़ने के लिए धाजा। तक इस सब दिन आपको बड़की दादी थी ना, सब दिन बनाती थी, तो हम भी देखते रहते थे कि कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं। तब हम उम्र गई तो हम पूजा करने लगे देख करके, जैसे हमारे सास बनाती थी तो हम भी बनाते हैं, उनके नाम से चढ़ाते हैं। इधर में देख सकते हैं भूरकी है जो खंदा आ गया। इधर में बालू और इतना बड़का को भूरकी अंदर जाएगा एकदम, देख सकते हैं। ये हो गया पुराना वाला धाजा, ये कवड़ गया है, देख सकते हैं। ये प्रसादी देख सकते हैं, प्रसादी है। ये हो गया पुआ, इधर में अंगूर, इधर में हो गया बेदाना, ये हो गया बतासा, और ये हो गया लड्डू। बहुत 4-5 आइटम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एकदम गोला गोला बन रहा है, क्या बना रही हो? पूरी। इधर में पूरी छना रहा है, पूरी अभी गोलैया हो रहा है, अभी देख सकते हैं कई 1, 2, 3, 4 पूरी निकला है। और इधर में देख सकते हैं पूरी है जो छना रहा है। वाह। तो भाई अब जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, स्नान करके उसके बाद फिर धाजा उजा गड़ाने का काम होगा शुरू। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वही मैं आ गया हूँ चापाकल पे। देख सकते हैं स्नान स्नान करके फ्रेश हो गया और अब है जो धाजा गड़ाने के लिए रेडी हो चुका है। तो इधर में देख सकते हैं महावीर जी के पास सब मम्मी है जो रोटा, देख सकते ये रोटा मम्मी बनाई है वो है। और इधर में अब सब सामान है सो जुटा रही है, यहाँ पर फूल है सो बन गया है। इधर में हुमाद हो गया, सही हनुमान जी का मुंह सारी बदन औसले रहते हैं रंग। ये जो है घी सिंदूर से इनका मुंह पूरे सारे लाल रंग का रहता है।
इसलिए का नाम हनुमान जी पड़ा। सार सारं भुजिन धारम सदा संते देर गिंदे भवं भवानी सहितं नवानी अतः तुम बंधु सखा तुम विद्याधरु तो सुकर पुतारं संसार सारं भुजिन धारम सदा देर गिंदे भवं भवानी। का जो भी था विध नीचे महावीर जी का स्थान में जो भी बोलना था करना था वो कर चुके हैं। अब हम पतंग को ले करके ऊपर जो बांस का धाजा होता है उसमें पहना करके उसको सिलाई करेंगे, उसके बाद इनको हम चलिए तो ये हो गया। देख सकते हैं बांस इसमें भी लगेगा रंग, उसके बाद फिर पतंग को इसके अंदर में किया जाएगा। ये देख सकते हैं लाल का रंग और घी है जो बांस में लग रहा है। एक कुछ छोड़ छोड़ के लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट। तो देख सकते हैं पतंग है जो अब बांस के अंदर एंट्री कर रहा है। रुक जा रुक 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 उड़ गया था, पकड़ो इसको। पहले सब मिला लीजिए वहाँ से वहाँ तक सब है हरियर का वाला और ललका वाला वो सब। हाँ छोटा सबसे छोटा का कौन है देखो तो सब सेम नहीं होगा। अलग अलग है सब मिला तो सब मिला तो उड़ रहा है एकदम पूरा का पूरा उड़ रहा है एकदम। पतंग जो भी इसमें था सियाई सिलाई करना वो सिलाई कर दिए और अभी इनको जा करके जिस स्थान पर ग्रहण करना है वो स्थान पर ग्रहण हो जाएंगे। कितना है नौ को चलो नौ पतंग हो गया। देख सकते हैं सब बेटा पोता और नाती के लिए जितना वंश बढ़ रहा है मेरे के यहाँ जितना पतंग हम बढ़ा रहे हैं और नया पोता आएगा नया नाती आएगा और पतंग हम भगवान के जड़ी तक। ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया है। चिमे पकड़ के करो ये देख सकते कर भगवान की जय। वाह देख सकते हैं जेने जेने गुरुतना अपने हो गड़ा गया। अब ऊपर देख लीजिए ऊपर एकदम ऊपर में देख सकते हैं ये लंगोटा हो गया ना पंडित जी बांध रहे हैं देख सकते हैं। देख सकते हैं जय राजा राम चंद्र जय आरती चव
आराती की जय राजा राम। तो पूजा पाठ कंप्लीट हो गया यार, भाई जो खाना खाने के लिए जा रहा। तो ये देख सकते हैं, तो अब खाना है सो खा लेता हूँ। फाइनली दोस्तों, सारा ब्लॉग के अंदर हम आपको आज धाजा जो गड़ाया है रामनवमी का, तो बहुत ही घर के अंदर में काफ़ी सालों से हमारे घरों में गड़ाता है धाजा, तो आज आपको हम ब्लॉग के माध्यम से हम आपको दिखाने का काम किया हूँ सारे फैमिली लोगों को। तो ब्लॉग कैसा है ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं अपना। इधर में आप देख सकते हैं धाजा, ठीक है, अभी धावा नहीं चल रहा है। तो आज का ब्लॉग है सही पेन कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फॉलो करके रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। ओके, बाय बाय।